भाई इसे मैंने ना गलती से यूं कर दिया। ये क्या था भाई? तो गैस आप इस ट्रिक को बिल्कुल भी यूज मत करना, क्योंकि मैंने इस ट्रिक को यूज किया है और मेरा बहुत गंदी तरीके से पेन में से इंक बाहर निकल के पूरी कॉपी, भाई पूरी कॉपी इंक इंक हो गई है। तो आप इस ट्रिक को बिल्कुल भी ट्राई मत करना। यो व्हाट्सअप, कैसे सबसे वेलकम बैक टू माय चैनल गेमर हुसैन। तो गाइस ये मेरी पहली फेस कैम वाली वीडियो होने वाली है और आज मैं करने वाला हूँ एक एक्सपेरिमेंट। अच्छा जो कि होने वाला है फाउंटेन इंक, अगर हम जेल पेन में डाले तो क्या होगा? यहाँ पे देख लो आप, मेरे पास है ये पेन की इंक जो कि बहुत कम है, और इसमें डालने के लिए मैं यहाँ पे एक सिरेंज लेके आया हूँ, और ये है इंक की बॉटल, यानी ये ब्लैक है, ये हम नहीं डालने वाले हैं क्योंकि ये है ब्लैक और हमारा जो पेन है वो है ब्लू वाला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ पे है हमारा फाउंटेन इंक ब्लू वाला, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये अभी ये फोकस क्यों नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये हमारे पास है ब्लू। और बाकी इस कवर को रखते हैं साइड में, और पहले हम इसको इस सिरेंज से लेते हैं। इस सिरेंज में थोड़ा बहुत पानी है तो भाई पोंछ लेते हैं पहले। तो भाई गलती से भी इधर उधर हो जाती ना तो मेरे उंगली के अंदर घुस जानी थी ये वाली सिर। तो गाइस अभी मैंने इसे ठीक तरीके से साफ कर लिया है, और मैं बहुत फाउंटेन पेन यूज करता था लेकिन वो पेज के पीछे पीछे दिखाई देती थी। अभी वो उसकी राइटिंग वाली बुक मैंने शायद बेच दी तो मेरे पास है नहीं अभी, और इससे ही काम चलाना पड़ेगा। देखो देखो भाई कितनी कितनी इंक हो चुकी है, आपको दिख रहा है या फिर नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन आप देख लो, मैं हिला के दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ तक हो चुकी है इसकी इंक, और फटाफट से इसे लेते हैं। और पता नहीं कि क्या होगा क्योंकि लाइक वो हिलती हिलती रहती है ना इंक, तो पता नहीं यहाँ पे टिकेगी या फिर नहीं। अगर आप इस वाले ले लो तो अगर आप ऐसे कर दोगे तो भी इंक बाहर नहीं निकलेगी, ये क्या पता ये भी निकल जाए या फिर नहीं। तो जल्दी से टेस्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। गाइस यहाँ पे देखो मैंने इतनी इंक ले ली है, इतनी इंक एनफ होगी मेरे ख्याल से, और फटाफट इसमें डालता हूँ मैं। भाई नहीं जा रही है ये, भाई शायद से मैंने गलत कर दिया इसको। इसकी इंक फिर से वापस लेते हैं और फिर से इधर से डाल के देखते हैं हम इस बार क्या होगा। ये इंक मैंने वापस इसी में डाल दी है, और इस वाली इंक को फिर से खींच के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इतनी इंक फिल की है और ये यहाँ से नहीं आ रहा है। इसका मतलब है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पता नहीं लिखने में कैसे आएगा ये। फटाफट इसको इधर से खींचते हैं और इधर से डाल के देखते हैं इसकी नेब हटा के। भाई मेरे हाथों की हालत तो ख़राब होने ही वाली है, आज लिख के ले लो आप। तो गाइस मैंने इतनी तो ले ली है, ज़्यादा नहीं आ सकती थी इसमें, तो फटाफट इसकी निब निकाल के देखते हैं कि कितना घुसा सकते हैं हम इस। भाई अब इधर देखो मैंने
भाई डालते डालते इधर गिरा भी दी इनका भाई साहब। ये वाला तो भाई, इसको मैं ना इधर से डालने की कोशिश कर रहा था, ये पीछे से निकल गया भाई एयर के प्रेशर के वजह से। मेरे हाथों की तो भैंस की टांग हो चुकी है और फटाफट इससे मैं भाई कितनी तेजी से गया भाई ये इंक। भाई साहब आपके लिए ये कर रहा हूँ मैं, आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई साहब। अपने हाथों की भैंस की टांग कर रहा हूँ भाई, ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, इसे कुछ ना हो जाए। वैसे कुछ हुआ तो भाई ये नहीं दिखेगा, ये बस इसके राइटिंग के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए भाई साहब। आपके लिए इतना रिस्क ले रहा हूँ मैं, आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते और लाइक भी नहीं करते वीडियोस को। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो जल्दी से फिर से इसे इसमें इंजेक्ट करके देखता हूँ मैं। इस बार इधर साइड से उंगली रख लेता हूँ क्योंकि एयर प्रेस एयर को बंद कर देगा ये, तो ये बाहर नहीं जाना चाहिए। भाई साहब अब मेरे हाथों की हालत देख लो भाई, ये उंगलियों के बीच में भाई कैसे से गया है इंक इसका। भाई साहब ये कुछ खतरनाक दिख रहा है मेरे को। फटाफट से ये हाथ वाथ धो के आता हूँ मैं और भाई इसके चेक करके देखता हूँ मैं एक कौन सी भी नोटबुक ले। भाई साहब मैंने यहाँ पे जितना हो सकता था अपने हाथों को धो लिया और भाई इसे मैंने ना गलती से यूं कर दिया। ये क्या था भाई, आप इस चीज़ों को इग्नोर करना है क्योंकि यू नो आई एम बैक बेंचर और बहुत तेज हो रहा है बैक बेंचर्स का रूम ऐसा ही रहता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भाई गलती से ऐसे कर दिया मैंने और भाई ये देखो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे इस पे इंक लग जाएगी। और मैंने ये देखो इस पे लिख के देखा भाई, ये देखो लिख रहा है इट्स वर्क। भाई जब मैंने इसके पहले लिखा था तो कुछ नहीं लिख रहा था भाई, इट वर्क्स। लेकिन आप गलती से भी यूं मत कर देना और इस तरीके से भी यूं मत कर देना, आप देख सकते हो सारी इंक आ जाएगी भाई साहब, आप मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये वर्क करता है लेकिन यहाँ पे फाउंटेन की इंक कुछ ऐसी रहती है और छोटी सी इंक भी आती है नॉर्मल पेंस की और जेल इंक की भी। फ़िलहाल तो ये जेल इंक है क्योंकि मैं ज़्यादातर जेल इंक ही यूज़ करता हूँ क्योंकि वो लिखने में बहुत अच्छी रहती है, बहुत डार्क आती है और उसमें मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है क्योंकि वैसे भी मुझे ब्लैक कलर और वो बहुत डार्क होता है। तो गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। तो गाइस मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक लेट है, केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।